नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेटेस्ट न्यूज को देखेंगे और चार्ट के माध्यम से भी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर डेली हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छा पैसा कमाते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। तो आइए दोस्तों, तो ये मेन इशू क्या था, किस वजह से गिरा है कि इनकी जो प्रॉफिट है वो 46% गिर गई थी, केवल 261 करोड़ की रह गई थी और ओवरऑल आप इनका रेवेन्यू भी काफ़ी गिरा था। तो रेवेन्यू भी गिर गया, प्रॉफिट्स भी गिर गई, इसी वजह से इसमें आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन आया। मुथूत फाइनेंस की भी प्रॉफिट गिरी थी बट उनका रेवेन्यू बढ़ा था, यहाँ इन्होंने 10% के रेवेन्यू में भी डिक्लाइन दिखाया। तो ये काफ़ी बुरे रिजल्ट थे इनके। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो गोल्ड प्राइसेस मूविंग अप, गुड फॉर गोल्ड लोन कंपनी, तो ये इनके फाइनेंशियल एमडी का कहना है, जो कि एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज है। और भी आप देखेंगे तो इनका क्या है कि ग्रोथ कंसर्न वे ऑन, तो थोड़ा सा कैसे ये ग्रोथ करेंगे वो चीज़ थोड़ी सी देखने वाली बात है। तो फाइनेंस में 34% की और मन्नापुरम में 58.7% तक की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन तो है बट ग्रोथ कंसर्न थोड़े कंसर्न है ग्रोथ को लेकर। तो मन्नापुरम में बहुत तेजी से गिरावट आई थी, आप सभी को पता है। एक जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है वो हरिहंत कैपिटल की है, क्योंकि इन्होंने 160 रुपीज़ का टारगेट दिया है मन्नापुरम को कल, तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज है। और उसका मेजर रीजन ये है कि मान के चल रहे हैं कि आगे जो क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है तो उसका इन्होंने काफ़ी यूज़ किया है, तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे और इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की है, यील्ड कम किया है, विच इज इम्पैक्टेड मार्जिन स्प्रेड की सारी चीज़ों की उन्होंने बातें की है, तो इनके हिसाब से इसका फ्यूचर अच्छा है। ओवरऑल आज अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो 31% के आसपास थी, जो कि ठीक ठाक थी। आइए अब हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो स्टॉक ने देखिए जो 140 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको तोड़ा है इतनी हैवी वॉल्यूम के साथ, और अगर अब मैं देखूँ इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है दोस्तों, तो वो आपको अब यहाँ पे मिल रहा है 111.9। तो आप 110 रुपये के संग स्टॉप लॉस के संग इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और जो टारगेट रहेंगे दोस्तों वो हमारे 140 और 180 के टारगेट रहेंगे। तो 140, 160 और 180 के टारगेट को आप एम कर सकते हैं 110 रुपये का स्टॉप लॉस। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस समय स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन है, बट हैवी वॉल्यूम में सेलिंग आ रही है तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।